जहाँ तक मेरे को समझ में आता है कि आपका ये सवाल है कि आप पहला तो ये पूछना चाहते हैं कि अभी जो रिलीजियस इनटॉलरेंस का जो एपिसोड चल रहा है हमारे प्रदेश में, उसके ऊपर आपका ये सवाल है कि हमारे जो वेस्टर्न पार्लियामेंटेरियन है, अभी यूनियन लॉ मिनिस्टर भी है, उनकी स्टेटमेंट के, उनके बयानबाजी के ऊपर आपने ये सवाल किया कि अगर ईसाई भाई बहनों के ऊपर अरुणाचल में कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा तुरंत दे देंगे। दूसरा ये है कि आप ये पूछ रहे हैं कि जो 3 मेंबर कमेटी का रिपोर्ट है तवांग के चर्च के ऊपर पे, उसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है। तीसरा ये पूछना चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी तक ये मैटर को एक एमिकेबल सॉल्यूशन तक क्यों नहीं पहुंचाया। तो मैं ये 3 सवालों का उत्तर एक ही पे दे देती हूँ ताकि आपको ना लगे कि कोई मेहनत ना करना पड़े कि उसको अलग अलग भाग में बांटा जाए। सबसे पहले तो आपको मैं अरुणाचल का एक पिक्चर दिखा देती हूँ, जो सत्य है, विच इज़ द ट्रूथ विच इज़ देयर इन अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले तो ये है कि जितने भी मौजूदा दस्तावेज हैं अरुणाचल के इस रिलीजियस इंटॉलरेंस की लड़ाई में, जहां तवांग चर्च को बनाया नहीं देने जा रहा है या फिर उसको डिसमेंटल करने की जो डिमांड है, तो इसके ऊपर मैं आपको मैं एक पिक्चर दिखा दूं कि आपको तो पता है ये चर्च, तवांग चर्च जो है वो 90 के दशक में बना था। तवांग में लोग अपने बहुत ही भाईचारा से, बहुत ही प्यार से एक दूसरे को प्रमोट करते हुए, पीपल वेर लिविंग इन अ कम्युनल हार्मनी। लेकिन सडनली ये चीज़ 8 साल पहले एक रिलीजियस इंटॉलरेंस का रूप लेना शुरू कर गया, जहां लोग धर्म के नाम पे लड़ना शुरू कर दिए और आज तक वही चला आ रहा है। तो अब मैं ये बता दूं कि अरुणाचल में ये रिलीजियस इंटॉलरेंस का हवा कौन दे रहा है। पहले तो ऐसा नहीं था। जब से भारतीय जनता पार्टी ने कुर्सी संभाली है अरुणाचल में और अरुणाचल को चला रहा है, तब से ये रिलीजियस इंटॉलरेंस की कई घटनाएं घटी है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी जो अरुणाचल की सरकार को चला रही है, वो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके ईसाई जनसंख्या के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं। यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यूज़ किया जा रहा है, उनसे जबरन सरकारी दस्तावेजों पे उनका हस्ताक्षर लिया जा रहा है। और ये और जितने भी जो बाहरी संगठन है, या फिर आप कर लीजिए कि कोई युवा संगठन है या फिर कोई स्टूडेंट संगठन है या समुदाय पर आधारित संगठन है, उनका इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि जितने भी भाई बहन हैं अरुणाचल में जो ईसाई धर्म को ग्रहण कर चुके हैं, उनको अपना शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ेगा, समर्पित करना पड़ेगा। ऐसी इसी तरह के जो है रिलीजियस इंटॉलरेंस एक्टिविटी को हवा दिया जा रहा है। फिर दूसरा, तीसरी बात यह है कि समुदाय आधारित संगठनों को उकसाकर ये कहा जा रहा है कि जितने भी, फॉर एग्जांपल तवांग डिस्ट्रिक्ट का ही एग्जांपल ले लीजिए, वहाँ पे चर्चों को तोड़ने का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। बाकायदा सबूत है, एविडेंसेस है, कागज़ है, दस्तावेज है, वहाँ पे अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि चर्चों को डिसमेंटल किया जाए, चर्चों को तोड़ा जाए। और एलिगेशन क्या है, ये लगाया जा रहा है कि इलीगल है। अब इलीगल करके कोई एविडेंसेस नहीं है, क्योंकि वहाँ जो बने चर्चेस है वो सरकारी जो कानून है उसी के मुताबिक वाटर बिल सबमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट कर रहा है, जितने भी विभिन्न प्रकार के टैक्सेस है उसकी भरपाई कर रहा है। जब ये सारे चीज़ कर रहे हैं तो कहाँ से इलीगल का कोई सवाल ही नहीं होता, कोई क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता। तो अगर किसी के ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया जाता है तो आप एविडेंस लेके आइए। फिर आप ये देखिए कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हमारे जो वेस्टर्न पार्लियामेंटेरियन हैं श्री किरेन रिजिजू ने कहा था, जब वो MOS होम अफेयर्स थे, कहा था कि अगर ईसाइयों के ऊपर एक भी प्रोसिक्यूशन होता है तो
वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मैं तो कहती हूँ कि आज के वक्त इसी मिनट पर इसी समय पर वो इस्तीफा दे दे। पर्सिक्यूशन का मतलब क्या होता है? लोगों को तंग करना, बिना मतलब का टॉर्चर करना। अब देखिए कि ये तवांग चर्च है, तवांग चर्च के इश्यूज में क्या किया, बहुत सारे ईसाई पास्टरों को क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत थाना में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ये पर्सिक्यूशन नहीं है तो और क्या है? फिर अभी आप ये देखिए, यह कहकर कि जो चर्च है, पास्टर है, वो कन्वर्ट कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, उन्होंने एक कानून का ढोंस दिया है। कहते हैं अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन एक्ट 1978। ये एक्ट क्या कहता है? ये एक्ट कहता है कि कन्वर्जन अलाउड नहीं है बाय एनी फोर्स, इंड्यूसमेंट एंड फ्रॉडुलेंट मींस में। अब ये बताइए कि एविडेंसेस लेके आइए कि कहाँ फ्रॉडुलेंट करके, कहाँ इंड्यूसमेंट करके, कहाँ फोर्स यूज करके यहाँ लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है? कोई एविडेंस है, कोई केसेस है? नहीं है। ये एक्ट कहता है कि कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ के जो अरुणाचल के भाई बहन हैं वो ईसाई को, ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं। यहाँ कोई कन्वर्जन की बात नहीं है। जैसे कि हमारा बुद्धिस्ट धर्म है, 17th century को जो बुद्धिस्ट धर्म मानने वाले हैं उन्होंने 17th-17th century को एक्सेप्ट की बुद्धिस्ट धर्म को, तो उसी तरह अरुणाचल में 19th century के समय लोगों ने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। यहाँ कन्वर्जन की तो कोई बात नहीं है। तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो हर कानून को तोड़ मरोड़ के अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ एक धर्म के बेसिस पर, धर्म के आधार पर अरुणाचल में एक अशांति का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको देखा नहीं गया कि अरुणाचल इतना शांतिप्रिय राज्य कैसा है, यहाँ लोग एक दूसरे को प्यार करके भाईचारे में रहते कैसा है, उनको ये देखा नहीं गया। तो उनको वही करना है, डिवाइड एंड रूल, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी अपनाना है। सत्ता पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है, और एक जो झूठ वाला नरेशन भी क्रिएट करने में दे आर वेरी एक्सपर्ट, वी ऑल नो अबाउट इट। फिर हमारा जो है, अब आती हूँ कि जो आपके सेकंड क्वेश्चन पे है कि ये स्टेट जो है अभी तक ये तवांग चर्च के जो इशू है उस पर कोई एमिकेबल सॉल्यूशन क्यों लेके नहीं आया, और यहाँ तक कि ये 3-member committee वाले ने जो रिपोर्ट लिया है उसके ऊपर मेरा क्या विचार है? तो इसका उत्तर मैं अपनी बातों में जैसे जैसे मैं कहूँगी आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो इस अरुणाचल प्रदेश के सरकार से मैं ये कहूँगी कि अरुणाचल प्रदेश ने बहुत झेला है 1959 से। आज तवांग में चर्च बनने दिया नहीं जा रहा है, जो बना है उसको डिसमेंटल करने की अल्टीमेटम दिया जा रहा है। युवा संगठन, स्टूडेंट संगठन, बाहरी संगठन, समुदाय पर आधारित संगठन प्रेशराइज कर रहे हैं कि वहाँ चर्च ना बनाने दिया जाए। लेकिन अरुणाचल के लोगों को 1959 का एपिसोड याद करना पड़ेगा कि जिस धर्म को मानने वाले आज ईसाई धर्म के अगेंस्ट खड़े हैं, 1959 को उसी धर्म को जब चाइनीज वालों ने तिब्बत से खदेड़ा था, भगाया था, उसको अरुणाचल ने ही ग्रहण किया था और सपोर्ट किया था और जगह दी थी, एक रेफ्यूज, दे हैव गिवन अ रेफ्यूज। चाइनीज वालों ने, पीएलए ने, चाइनीज आर्मी ने तिब्बत में हंगामा मचा दिया था, वहाँ रिलीजियस क्लिंजिंग चल रही थी, जेनोसाइड चल रहा था, ख़त्म किया जा रहा था वहाँ के जितने भी बोधि धर्म से रिलेटेड जितने भी क्या कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी मटेरियल्स हैं सबको तहस नहस किया गया, लोगों को मारा पीटा गया, यहाँ तक कि उनके रिलीजियस लीडर को भगाया गया। तब अरुणाचल ही एक स्टेट था जिन्होंने सहारा दिया उस धर्म को, यहाँ तक कि उनके धर्म को रिवाइव करने के लिए आज बोधि धर्म के नाम पे जो स्क्रिप्चर जो पढ़े जा रहे हैं हर मॉनेस्ट्री में,
जिसको आप कहते हैं ना पाली लिपि, उसके लिए टीचर अपॉइंट किए जा रहे हैं। यहाँ कहीं कोई रुकावट नहीं है अरुणाचल में कि आप एक मॉनेस्ट्री नहीं खोल सकते या स्तूपा खड़ा नहीं कर सकते। तो अभी आप ये समझिए कि जब अरुणाचल एक आसरा है बौद्ध धर्म के लिए 1959 से, एक होप है, रे ऑफ होप है, आपके कल्चर को, आपके धर्म को रिवाइव करने की वो शक्ति दी है, वो जगह दी है। आज इतने सालों बाद वो धर्म अपने पैरों पे खड़ा है अरुणाचल के सर जमी पर, अपना खुद का मेडिसिनल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, कल्चरल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है। हर चीज को रिवाइव करने में अरुणाचल के रोग, अरुणाचल के सर जमी ने सपोर्ट किया है। तो किस बेसिस पे ईसाई धर्म के लोगों पर इतने अत्याचार हो रहा है? तवांग में एक चर्च नहीं खोलने दिया जा रहा है, उसके ऊपर अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि उसको डिसमेंटल कर दो। क्या बोधी धर्म को मानने वाले मेरे भाई बहन, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप 1959 के वो एपिसोड अरुणाचल में दोहराना चाहता है? जो जुल्म आप सह के आए हैं, क्या वो जुल्म आप हमारे ऊपर, हमारे ईसाई भाई के बहन के ऊपर ढाना चाहते हो? ये सवाल आप लोगों के लिए है, आप लोगों को जवाब देना होगा। और जो और मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में अंधे होकर हमारा सरकार, हमारी आवाम, हमारी जो जनता है, उनको ये बता दे कि भारतीय जनता पार्टी का कि जितने भी नेता हैं वो हर जगह जगह यह कह के घूमता है वासुदेवाय कुटुंबकम, कहते हैं द होल वर्ल्ड इज वन सिंगल फैमिली। जब पूरा यूनिवर्स, पूरी दुनिया एक परिवार है, तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है, ये कैसा अत्याचार है, ये कैसा डिस्पैरिटी है, जहाँ एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को मानते नहीं हैं, उनको जगह नहीं देते हैं, साथ में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर तवांग में जो चर्च है वो अगर इनलीगल है, अनऑथराइज है, तो एविडेंस क्रिएट कीजिए। अगर वहाँ कन्वर्जन चल रही है तो एविडेंस क्रिएट कीजिए। बिना मतलब का आप लोग आपस में मत लड़िए, लड़ के कोई फायदा नहीं धर्म के नाम पर। जिस तरह अरुणाचल शांत से रहता आ रहा है, लोग यहां शांति बनाए रखे हैं, शांति पूर्वक जीता आ रहा है, उसी प्रकार ब्रदरहुड में लेट्स ग्रो टुगेदर। भारतीय जनता पार्टी के फेक नैरेटिव्स में, भारतीय जनता पार्टी के गलत विचारधाराओं में, भारतीय जनता पार्टी के गलत कांडों में, भारतीय जनता पार्टी के दिखाए हुए गलत रास्ते पे मत चलिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आज हमारे स्टेट में कम्युनल हार्मनी मेंटेन नहीं किया गया, आगे चलकर अरुणाचल प्रदेश एक ज्वालामुखी के तरह भवकता रह जाएगा, जहां कुछ नहीं, इंसानियत खत्म हो जाएगा, एक दूसरे को मारने पीटने लगेंगे, एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे, और आखिर में हमारे जो पार्लियामेंटेरियन हैं श्री किरण रिजिजू से, जो यूनियन लॉ मिनिस्टर हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपने इस्तीफा की बात की थी, आपके सामने सबूत है, जीता जागता सबूत है, आपको पता है अरुणाचल में क्या चल रहा है ईसाई भाई बहन के अगेंस्ट में। जिस तरह आपने कमिटमेंट दी थी, उसी तरह अपने कमिटमेंट पर खड़े रहिए, अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए।
आपकी तरह एक झूठी कमिटमेंट वाला, एक फेक नैरेटिव्स वाला ऐसा लीडर होने से तो अच्छा है कि अरुणाचल को ऐसा लीडर ही ना मिले। अदरवाइज आप सोचते हैं कि नहीं, आपको अपने वचन पर खड़े रहना है, आप वचनबद्ध है, तो तवांग चर्च को, तवांग चर्च का जो लैंड अलॉटमेंट है वो क्लियर कीजिए। आपका जो इंटरवेंशन है उसकी बहुत ज़रूरी है। और स्टेट गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है कि डोंट प्रैक्टिस डिस्पैरिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। हमारे सीएम साहब हैं, यू आर द लीडर, यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, यू आर नॉट लीडर ऑफ एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ट्राइब और रिलीजन। यू आर द हेड ऑफ द स्टेट, यू हैव टू डिसाइड एवरीथिंग वाइज। थैंक यू।